जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम इसके अंदर डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शीट बनी हुई है जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाई थी। इस शीट को डेटा को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये है, माउस से मैं यहाँ क्लिक करा, माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखूँ, यहाँ तक लेके आया और अब नीचे रो तक लेके जा रहा हूँ, तो ये डेटा मेरे पास सेलेक्ट हो गया माउस के ज़रिए। दूसरा तरीका ये है कि मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखूं, कंट्रोल का बटन प्रेस करूं और एरो की राइट एरो की प्रेस करूं, तो ये देखिए, और डाउन एरो की शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करते हुए डाउन एरो की प्रेस करूं, तो ये सिलेक्ट हो गया। तीसरा ये है कि अगर मैं सिर्फ पूरी टेबल को अपने सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा, बल्कि मैं कुछ कॉलम कुछ रो को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और एरो की यूज़ करूँगा, इतना सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं सिर्फ टोटल सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने टोटल सेलेक्ट कर लिया।